में आपका स्वागत है दोस्तों। मारुति जिप्सी के अंदर में अगर फ्यूल इकोनॉमी की बात करें, अगर उसका माइलेज की बात करें, तो उसमें दो चार पॉइंट बताऊंगा जो आपको यूजफुल रहेगा। पहला तो ये है कि गाड़ी के जो व्हील है, चारों व्हील की फ्रीनेस चेक करो। कैसे करोगे? व्हीकल को चेक कर देना है, मतलब व्हील को चेक करना है और उसका फ्रीनेस चेक करना है, कहीं पे ब्रेक टच हो रही है या जो व्हील जो है वो फ्री नहीं चल रहा है, तो वो एक चेक कीजिएगा, ठीक है। दूसरा बताता हूँ कि यहाँ पे जो फ्री व्हील हब जो है वो ऑब्वियसली के वो डिसएंगेज पोजीशन में चाहिए, तभी आगे की जो लेफ्ट और राइट एक्सल जो है फ्रंट एक्सल के अंदर में लेफ्ट और राइट वो फ्री रहनी चाहिए। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये फ्री व्हील हब अगर नहीं लगा है तो जो एग्जिस्टिंग हब लगा हुआ है वहाँ पे व्हील के साथ में, है ना, जो गाड़ी के साथ जो आया हुआ फ्री व्हील हब नहीं है उसके जगह जो सादा वाला हब अगर लगा है तो कोई बात नहीं, वो हब निकाल लीजिए। और ऑब्वियसली कि ये जो 4x4 लीवर जो है उसमें 2H हायर जो है वही सिलेक्ट करना है, ताकि रियर व्हील ड्राइव जो है वही ट्रांसमिशन में रहे, है ना। अगर 4L और 4H अगर किया है तो डेफिनेटली के प्रोपेलर भी घूमेगा आगे के, अगर फ्री व्हील हब डिसएंगेज है और 4H अगर सिलेक्ट करके चला रहे तो। ये दूसरा जो हैंड ब्रेक में दिखा रहा हूँ, वो हैंड ब्रेक जो रियर वाले में, मतलब ये हैंड ब्रेक ऐसा ना होना चाहिए कि वो टाइट होके ही व्हील पीछे के चल रहे हैं, मतलब के व्हील की जो फ्रीनेस चेक करोगे तो हैंड ब्रेक जो है वो उसको भी चेक कर लीजिएगा, ताकि वो व्हील का जो फ्रीनेस है वो रहे रियर व्हील। तो फ्रंट व्हील में भी हब है, उसमें ग्रीसिंग वगैरह करके उसको, मतलब एकदम लुब्रिकेटेड करके उसको फ्री रहना चाहिए, एकदम स्मूथ चलना चाहिए। दूसरा, एयर फिल्टर जो है वो जैमिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। ये जो थ्रॉटल बॉडी है ना, इनलेट मैनिफोल्ड के साथ थ्रॉटल बॉडी लगी हुई, वो भी क्लीन होनी चाहिए। दूसरा, आइडियल रनिंग जो है इंजन का वो बहुत ही मायने रखता है, वो 800 RPM के ऊपर कभी नहीं चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूल इकोनॉमी नहीं देगा वो। तो ये यहाँ पे जो कैमशाफ्ट सेंसर में दिखा रहा हूँ उसके ऊपर का जो बोल्ट है वो थोड़ा लूज करके, इंजन स्टार्ट करके ये बोल्ट लूज किया है, और ये कैमशाफ्ट अगर आप रोटेट करोगे, कैमशाफ्ट सेंसर रोटेट करोगे, तो फिर गाड़ी का RPM जो है वो वेरी करेगा, कम ज़्यादा करेगा। तो उसको 800 RPM पे लेने के लिए भी एक और सेटिंग भी है, ठीक है। बाद में जो इग्निशन कॉइल जो है वो चारों कॉइल के अंदर में, ये इग्निशन कॉइल के ऊपर के जो बोल्ट है ना, चार बोल्ट, दो दो बोल्ट लगे हुए हैं, तो वो बोल्ट रिमूव करके इग्निशन कॉइल का जो वर्किंग है वो भी चेक कर लीजिए। कोड वर्किंग, मतलब जो चारों सिलेंडर के अंदर में स्पार्क होना जरूरी है, कोई ऐसा ना हो कि एक सिलेंडर आउट है। दूसरा, ये बेल्ट टेंशन जो दिखा रहा हूँ मैं, है ना, जो वाटर पुली और जो यहाँ से जो अल्टरनेटर के ऊपर से जो गई है बेल्ट, वो बेल्ट का टेंशन अगर आपके गाड़ी में AC इक्विप्टेड है या पावर शेयरिंग इक्विप्टेड है, तो उसका भी फिर वो बेल्ट का टेंशन है वो चेक कर लीजिएगा। एक्सेस टेंशन रहेगा तभी भी वो जो फ्यूल इकोनॉमी है उसके ऊपर इफेक्ट आएगा और वो लोड में चलेगा, जो लाइफ टू डिटेरियरेट होगी होगी, लेकिन ये चीज़ भी है। दूसरा, मैं ये देखिए, मैं गेज निकाला है ना, ऑयल लेवल, वो जो ऑयल लेवल जो है वो डिज़ायर, मतलब वहाँ पर मार्किंग है वहाँ पर, है ना, टॉप बॉटम और एक जो सेंटर में, तो एटलीस्ट सेंटर के ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। तो वो ऑयल लेवल जो है वो मेंशन किया हुआ है वो वहाँ पे, एक मतलब ऑयल लेवल जितना डिज़ायर क्वांटिटी का चाहिए, ऐसा नहीं है कि ऑयल कम है तो लुब्रिकेशन जो है वो भी मतलब कम रहेगा तो फ्यूल के ऊपर में, फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर में आएगा। दूसरा, मैं ये देखिए NRV दिखा रहा हूँ, नॉन रिटर्न वाल्व जो है ना, NRV जो एक्सेस फ्यूल प्रेशर जो है वो रिलीज करता है, जब फ्यूल पम्प पंपिंग करता है, फ्यूल भेजता है, वो ये हेडर में आता है और इंजेक्टर से इंजेक्ट होके जो है वो, मतलब इंजेक्शन टेक प्लेस देयर। तो ये जो रिटर्न NRV जो है, NRV का जो आउटलेट डिस्चार्ज पाइप जो है वो टैंक में जाता है, वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि वो प्रॉपर है कि नहीं। दूसरा, यहाँ पे ये मैं जो ये दिखा रहा हूँ ना, ये यहाँ पे जो ये जो VTV है उसका भी जो प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा, वो भी नॉन रिटर्न वाल ही है ये, मतलब जो तीनों मैंने बताया वो एक फ्यूल का नॉन रिटर्न वाल है, बाकी दो जो है वो वेपर का है। अभी ये जो कूलेंट की बात करें तो कूलेंट भी मैक्सिमम लेवल पे रखिए, अगर व्हीकल ओवरहीट हो रहा है तभी भी वो फ्यूल जो है वो इवोपरेशन और वो टेक प्लेस, वो इवोपरेशन ज़्यादा हो जाएगा, और बाकी अगर कूलिंग में है तभी भी वो जो उसमें जो एडिशनल फ्रिक्शन ऐड हो के फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर में, दोनों कंडीशन के अंदर में, ओवरहीटिंग या ओवरहीटिंग में, दोनों में दे सकता है ये। दूसरा जो है, मतलब ये ऑक्सीजन सेंसर बता रहा हूँ, उसका भी अगर ऑक्सीजन सेंसर भी अगर सही नहीं है तो फिर उसमें क्या हो जाएगा कि जो लीन मिक्सर, रिच मिक्सर जो है उसमें, मतलब प्रोपोर्शनल मिक्सर नहीं जाने की वजह से भी फ्यूल का जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन हो सकता है।
तो बाकी ओवरऑल जो है गाड़ी की फ्रीनेस, मतलब व्हील जो है वो फ्री होने चाहिए, प्रोपेलर जो है फ्रंट प्रोपेलर अगर यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो रिमूव कर दिया है, और एक्सेस फ्रिक्शन जो है फ्रंट एक्सल की जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो है दोनों एक्सल डेड होनी चाहिए, इसमें जो ये लीवर में दिखा रहा हूँ जो गियर बॉक्स है उसमें भी ऑयल जो है वो सही मात्रा में डालना है। ये सारा जो भी काम करना है उसके लिए आपको रिलेटेड वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड है, आप देख के मतलब वो जो हब में ग्रीसिंग वगैरह करना है या फ्री व्हील हब जो नहीं है तो सादा वाला हब निकालना है, सारे वीडियो अपलोड है। आई होप सो दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद।